नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने सीएम नीतीश को दिलाई 40 सीट जीतने की याद। बिहार में कोरोना के आने लगे सिंगल डिजिट मामले। अब ऑनलाइन होगी जमीन की खरीद बिक्री। तेजस ब्रेक के साथ आज से चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। बिहार में 2 महीने का बिल आएगा एक साथ। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना के आने लगे सिंगल डिजिट मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 8 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 99 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा में 1, भोजपुर में 3, किशनगंज में 2, पटना में 1, समस्तीपुर में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अररिया, औरंगाबाद, अरवल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,48,989 सैंपल की जांच की गई, साथ ही 14 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट। अब ऑनलाइन होगी जमीन की खरीद बिक्री। बिहार सरकार जमीन से जुड़े मामलों को जितनी जल्दी हो सके निपटाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर बिहार सरकार अपने कानून में कई बदलाव कर रही है। बिहार में जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा हैं और जमीन से जुड़े मामलों में आपराधिक मामलों की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार इसमें सुधार के साथ ही नियमों में संशोधन की बात कर रही है। बिहार सरकार ने हाल के दिनों में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जिसमें प्रदेश के अंदर जल्द ही सरकारी वेबसाइट के सहारे जमीन की खरीद बिक्री हो सकेगी। किसी व्यक्ति को अगर अपनी जमीन बेचनी है तो उसका ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर देना होगा। खरीदार भी लोकेशन के आधार पर जमीन की जरूरत के बारे में पोर्टल पर बताएंगे। इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर खरीद और बिक्री दोनों की जा सकेगी। तेजस ब्रेक के साथ आज से चलेगी राजधानी एक्सप्रेस। आज से राजधानी के किराए पर यात्री तेजस ट्रेन का लुफ्त उठा सकेंगे, क्योंकि हाल ही में रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस में तेजस ब्रेक को जोड़ने की बात कही थी, जिसके बाद आज से इसका परिचालन शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल बुधवार से अपने निर्धारित समय से चलेगी। रेलवे की तरफ से इसकी घोषणा होने के बाद यात्री सफर करने के लिए उत्सुक है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि प्रीमियम ट्रेन के रूप में राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली राजधानी स्पेशल अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ नए तेजस रेक के साथ परिचालन प्रारंभ होने से यात्रियों की यात्रा बेहद ही सुखद होगी। आज होगा पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना का प्रकाशन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इन सबके बीच अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके तहत आज पंचायत चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना का प्रकाशन होने वाला है। अधिसूचना का प्रकाशन होने के साथ ही पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चुनाव को लेकर प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन कर दिया जाएगा, जबकि नामांकन की प्रक्रिया कल यानी कि गुरुवार से शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा मनपसंद सिंबल प्राप्त करने के लिए दाव पेच का काम भी शुरू हो जाएगा। बिहार में 2 महीने का बिल आएगा एक साथ। बिजली विभाग में लगातार हो रही गड़बड़ी का असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि जहां बिहारवासी अब तक अपने बिजली बिल का भुगतान महीने महीने किया करते थे, अब बिजली बिल एक साथ 2 महीने का देना होगा, जिसके लिए सर्वर में आई खराबी को बड़ा कारण माना जा रहा है। बिजली कंपनी 2 महीने में होने वाली बिलिंग को 2 हिस्से में बांटकर बिलिंग तैयार करेगा। इसके साथ ही राजधानी पटना समेत 64 शहरों में रहने वाले 18 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की ऑन स्पॉट बिलिंग एक बार फिर से शुरू होने वाली है, जिसके तहत आज से बिलिंग की शुरुआत पेसू के सभी 13 डिवीजन में की जाएगी। इसके अलावा राज्य के 64 शहरों में पोस्टपेड उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग के साथ नया कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिहार में कोरोना टीकाकरण का बना नया रिकॉर्ड। बिहार में बीते दिन टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जिसमें बिहार ने अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। ज्ञात हो बीते दिन चलाए गए महाअभियान के तहत मंगलवार को बिहार में 23.5 लाख लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही बिहार देश भर में वैक्सीनेशन में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 14.92 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। बिहार में वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को महाअभियान का आयोजन किया गया था। ज्ञात हो इस अभियान के लिए राज्य भर में 10,650 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। नल जल योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए सख्त।
बिहार में सात निश्चय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत अब तक कई गड़बड़झाला करने वालों की जानकारी भी निकल कर सामने आती रही है। हालांकि अब इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त हो गए हैं, जिसके तहत सीएम नीतीश ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो हर घर नल का जल योजना को बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल करे। दरअसल इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में लगातार शिकायतें आ रही थी। कई फरियादियों ने तो इसे दो टूक तरीके से कहा कि इस योजना में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है, जिसके बाद अब सीएम नीतीश ने इस योजना को पारदर्शी बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी है। मंत्री जी ने गया से अंतर्राष्ट्रीय और दिल्ली मुंबई के लिए विमान शुरू करने की उठाई मांग। इन दिनों बिहार में एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर कई पहल किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार को केंद्र का भी साथ मिला है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री और हम के नेता संतोष मांझी ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, जिसके तहत उन्होंने गया एयरपोर्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। इस दौरान हम के नेता संतोष मांझी ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विमानों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, गया से दिल्ली और दिल्ली से दैनिक सीधी उड़ान भी शुरू की जाए, साथ ही गया से कोलकाता के बीच छोटे विमानों की जगह बड़े बोइंग विमानों का परिचालन शुरू किया जाए, जिससे बौद्ध बहुल साउथ ईस्ट एशियन नेशन से बौद्ध धर्मावलंबियों का कोलकाता में सुविधाजनक गया में आगमन हो सके। अब आसान होगा चीनी मिल और बिजली उत्पादन में निवेश। बिहार सरकार की पहल के साथ ही अब बिहार में चीनी मिल और बिजली उत्पादन में निवेश आसान होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार इस प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहन पॉलिसी बना रही है, जिसके तहत बिहार में चीनी मिल, एथेनॉल और सह बिजली उत्पादन प्लांट लगाने का काम किया जाएगा। इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही विशेष प्रोत्साहन पैकेज बनाई जा रही है। इस पैकेज की खासियत ही यही होगी कि गन्ना उद्योग विभाग अपनी निवेश पॉलिसी में उद्योग विभाग की भांति ब्याज की क्षतिपूर्ति को शामिल करेगा, जो कि गन्ना उत्पादन पैकेज 2014 में शामिल नहीं थी। वर्तमान समय में उद्योग विभाग बतौर ब्याज क्षतिपूर्ति 10% तक देता है। इसको लेकर जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा। बिहार में जल्द ही होगी लालू यादव की एंट्री। बिहार की राजनीति के धुरंधर की जल्द ही एंट्री होने वाली है, जिसकी पुष्टि तेजस्वी यादव ने खुद की है। इस बाबत तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू जी की तबीयत पहले से ठीक है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा है कि जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली में हमारी जो बहन रहती है उनके यहाँ उन्होंने इस पर्व को मनाया था, तो वहाँ लालू जी भी गए थे। मुझे लगता है कि वो जल्द ही बिहार भी आ जाएंगे। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि लालू यादव के कई करीबियों का भी यही कहना है कि लालू यादव जल्द ही बिहार आ सकते हैं। जानकारों की माने तो उनके स्वास्थ्य में पहले से ज्यादा सुधार हुआ है, ऐसे में वो जल्द ही बिहार में एंट्री मार सकते हैं। आज से शुरू हुआ उपेंद्र कुशवाहा के बिहार भ्रमण का छठा चरण। जदयू के संगठन को मजबूत करने के लिए इन दिनों जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, जिसके तहत अब तक वो अपने 5 चरण की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहीं आज से उनके छठे चरण के भ्रमण की बारी है, जो कि 16 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान वो कुल मिलाकर 13 जिलों का दौरा करने वाले हैं, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा 1 सितंबर को सारण, 2 सितंबर को सिवान, 3 सितंबर को गोपालगंज, 4 सितंबर को वैशाली, 7 सितंबर को समस्तीपुर, 8 सितंबर को बेगूसराय, 11 सितंबर को खगड़िया, 12 सितंबर को कटिहार, 13 सितंबर को पूर्णिया, 14 सितंबर को सहरसा और मधेपुरा, 15 सितंबर को सुपौल और 16 सितंबर को दरभंगा में भ्रमण करेंगे। इस दौरान कुशवाहा कोरोना, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे आम लोगों से मिलेंगे और देखेंगे कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और राहत जनता तक पहुंच रही है कि नहीं। गया के खिलाड़ियों को ईरान जाने में जदयू करेगी मदद। बिहार सरकार ने बिहार के गया जिले के 2 ऐसे खिलाड़ियों की मदद का फैसला किया है, जो विदेशी धरती पर तिरंगा लहराना चाहते हैं। ज्ञात हो, इन 2 दिव्यांग खिलाड़ी यानी कि राजेश कुमार और अशरफ अली का चयन इसी साल नवंबर महीने में आयोजित पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल एशियाई ओलंपिक जोनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। हालांकि विडंबना इस बात की है कि आर्थिक दिव्यांगता इनके सपने को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जिसको लेकर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ये साफ कहा कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ये अच्छी बात है कि गया के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। सरकार निश्चित रूप से इस मामले में संज्ञान लेगी। दोनों के ईरान जाने की व्यवस्था होगी ताकि वो बिहार का नाम रोशन कर सके। पटना जंक्शन पर इन राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जरूरी। कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ी रफ्तार, साथ ही बिहार में कोरोना की लहर में आई ब्रेक के बाद सरकार सतर्क रूप से काम कर रही है। यही कारण है कि संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पटना जंक्शन पर फिर से कोरोना जांच को शुरू करने का आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं,
सरकार की तरफ से साझा की गई ताजा जानकारी के अनुसार केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखकर वहां से आने वाले यात्रियों को RT-PCR की जांच रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। ज्ञात हो कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए पटना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोविड जांच में तेजी लाई गई है। इसके साथ ही जांच के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी लगाया गया है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने सीएम नीतीश को दिलाई 40 सीट जीतने की याद। इन दिनों बिहार में लगातार सीएम नीतीश को पीएम मटेरियल के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये मुद्दा तो अब चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर पक्ष और विपक्ष की राय ठीक उलट है। इसी बीच इस मुद्दे को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने पटना पहुंचते ही मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा वाले तय करे कि 40 सीट वाले को पीएम मटेरियल बनाना है या नहीं। उन्होंने कहा कि जदयू राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है और उसके नेता को अपनी ही पार्टी के लोग पीएम मटेरियल बता रहे हैं। राज्य की क्या दुर्दशा उन्होंने कल रखी है, यह राज्य की जनता अच्छे से जानती है। तेजस्वी इतने पर ही नहीं रुके, इस बाबत उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ तक बता दिया। विराट को मिला आशीष नेहरा का साथ। भारत बनाम इंग्लैंड के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को मिली हार के बाद हर कोई विराट कोहली की रणनीति पर सवाल उठा रहा है। इन सबके बीच अब विराट को भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का साथ मिला है। उनका मानना है कि विराट जल्द ही बड़ा स्कोर बना सकते हैं। इस बाबत नेहरा ने विराट को सपोर्ट करते हुए कहा कि उसे रातों रात कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है कि उनकी तकनीक में कोई कमी नहीं है। कोहली इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में सिर्फ एक बार 50 का आंकड़ा पार कर पाए हैं। वो लगातार ऑफ स्टंप से बाहरी जाती गेंदों पर आउट हो रहे हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी अपना खेल जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर हैं। वो उन्हीं परिस्थितियों में सफल रहे हैं। जब आप इंग्लिश परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो हर कोई जानता है कि ये आसान नहीं है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अन्य राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी स्टेशन और एयरपोर्ट पर बिहार में सख्ती बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।